भाजपा के सबका संसद मैंबर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की सरगर्म सियासत में शामिल होने लिए कपिल शर्मा का शो छड़न का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिद्धू सितंबर महीने तक कपिल शर्मा के शो में दिसणगे। इस तो बाद वो पंजाब की सियासत में पूरी तरह रुझ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने इस संबंधी चैनल के प्रबंधकों को जाणू करवा दिता है। पंजाब सरकार ने सरकारी खर्चे में कटौती करने के इरादे नाल विदेशी नागरिकता हासिल करने वाले पेंशनरों को भविष्य में पेंशन उत्ते मिलने वाले पत्ते ना देने का फैसला किया है। पंजाब वित्त विभाग ने इस फैसले उत्ते मोहर ला दी है। पंजाब वित्त विभाग को यह मामला काफ़ी समय तो विचार अधीन सी। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी में ढोल की थाप उत्ते भंगड़े के नाल यूथ फैसटिवल की शुरुआत हुई है। इस यूथ फैसटिवल में जी एन डी यू के नाल सरकारी ते होर वख वख 30 दे करीब कॉलेजों के 700 दे नेड़े तेड़े विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले इस यूथ फैसटिवल में विद्यार्थी वख वख मुकाबलों में हिस्सा लेके अपनी प्रतिभा दे जोर दिखाएंगे। यूथ फैसटिवल का उद्घाटन यूनीवर्सिटी की डीन अकादमिक प्रोफेसर एन एस चुंग ने शमा रोशन करके किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उड़ी हमले उत्ते सवालों के जवाब देने तो मना कर दिता है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में खबरों की एजेंसी ANI वालों उड़ी हमले संबंधी पूछे गए सवाल तो बचरे दिखाई दिते, जिन्होंने हाथ उठा के जवाब देने तो मना कर दिता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कोई भी सवाल सुनने तो मना कर दिता है। उड़ी अतवादी हमले को लेकर कौमी जांच एजेंसी ने FIR दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी वालों मारे गए अतवादियों ने खून के नमूने फिंगरप्रिंट ले गए ने। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उड़ी सैक्टर में हुए अतवादी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिता है। इसलिए सरकार को चाहिए है कि पाकिस्तान के खिलाफ ढुकवी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अजिहा कदम उठाने की जरूरत है जिस नाल अतवाद का खात्मा हो सके। कमिशन भर्ती घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो वालों केस दर्ज किए जाने से दिल्ली महिला कमिशन की प्रधान स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह एक फौजी की धी है ते दुनिया की कोई भी ताकत उस नूं डरा नहीं सकती। मालीवाल ने अपने आप नूं निर्दोष दस्या है। मध्य प्रदेश के झांबुआ इलाके में भारी बरसात के चलदियां एक घर की छत डिगण करके एको परिवार के 6 जीआं की मौत हो गई। पुलिस वालों राहत ते बचाव के काम जारी ने। कोलकाता के हवाई अड्डे उत्ते चैक इन काउंटर उत्ते सवेरे कोलकाता तो गुवाहाटी जाने वाली उड़ान नूं एक धमकी भरिया फोन आउण नाल दहशत फैल गई। फोन आउण तों बाद हवाई अड्डे उत्ते अलर्ट जारी कर दिता गया। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल माइक्रोसॉफ्ट ते याहू ने मादा भ्रूण नूं डेगण ते भ्रूण दे लिंग दा पता दसण वालियां साइटां नूं बंद करन दा फैसला कीता है। इस संबंधी सारियां साइटां ने सुप्रीम कोर्ट नूं भरोसा दिता है कि वह अजिहियां सारियां साइटां ते इश्तहारां नूं ब्लाक करनगे जो मादा भ्रूण नूं सौखियां डेगण ते भ्रूण दा लिंग पता करन बारे किट्टां दी पेशकश करदे ने।